हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन होम व्लॉग्स विद रजनी। तो सुबह सुबह का टाइम है, शावर लेने के बाद और पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाऊँगी क्योंकि ब्राउन ब्रेड पड़ी हुई थी, वो रखे रखे एक्सपायर हो जाती, तो मैंने सोचा उसका सैंडविच बना लेती हूँ। और बहुत ईजी भी है और क्विक रेसिपी भी है, अपने अकेले के लिए बनाने के लिए मन नहीं कर रहा था। तो ये घी भेजा था मम्मी ने घर से, इसको छोटे बाउल में ट्रांसफ़र किया है, इसको मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करती हूँ कुकिंग के लिए। तो मैं दो सैंडविच बना रही हूँ आज, मैंने दूसरे टाइप का बनाया है। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था दही सैंडविच का, तो इस पे मैंने मेयोनीज़ लगाई हुई है और उसके साथ थोड़े बहुत टमाटर और प्याज काट के डाले हैं। तो मैं बस यही खाऊंगी आज ब्रेकफास्ट में, दो सैंडविच और एक कप चाय, यही है आज का मेरा ब्रेकफास्ट मेन्यू। अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया है सैंडविच और चाय। एक सैंडविच मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कुछ आप लोगों से बात कर लूँ। तो आज फ्राइडे है और जैसे मैंने आपको बताया था, हस्बैंड पिथौरागढ़ गए हैं, तो वो रात तक पहुँचने वाले हैं, आज 7 या 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। और इसलिए ना, जब मैं अकेले होती हूँ तो मेरा कुछ ऐसे ही रहता है, ब्रेकफास्ट शॉर्टकट में मैं निपटा लेती हूँ। और ट्राईपॉड का थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ अपना। मुझे लग रहा है कि मुझे नया मंगाना पड़ेगा, तो मैं मंगा लूँगी 1-2 दिन में, और तब तक इसी ट्राईपॉड से काम चलाना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल मैं हाथ से पकड़ के शूट कर रही हूँ क्योंकि ट्राईपॉड से ऐसा हो रहा है ना, फ़ोन गिर जा रहा है, उसे फिसल जा रहा है, तो मैं उसे लगा नहीं रही हूँ। खाली फ़ोन भी टूट जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद, और क्योंकि मुझे क्लीनिंग वगैरह भी करनी है और पूजा तो मैंने कर ली है, तो दिया जला लिया है और झाड़ू भी लगा लिया, उसके बाद मुझे पोछा लगाना है और किचन की क्लीनिंग करनी। तो ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। आज मैं हाथ से पोछा लगाऊंगी क्योंकि कल मैंने पोछा नहीं लगाया था और क्लीनिंग नहीं की थी। ऐसा होता है ना, कभी कभी आलस आ जाता है और इतनी गर्मी हो रही है, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कल कुछ करने का, इसीलिए मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई और मैं दिन भर आराम कर रही थी क्योंकि गर्मी की वजह से वीकनेस भी हो जाती है। तो आज मुझे पोछा लगाना है, तो आज मैं सोची हूँ हाथ से कर लेती हूँ क्योंकि हाथ से ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन छोड़ के लगा रही हूँ आज मैं। तो क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है पोछा लगाना। वैसे मैं झाड़ू पहले ही लगा चुकी थी, झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूजा वगैरह की थी नहाने के बाद, तो लास्ट में मैं पोछा लगा लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है अगर टाइम हो तो मैं नाश्ते से पहले ही पोछा वगैरह लगा के सारा काम समेट लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर टाइम ना हुआ या फिर भूख लग गई तो मैं पोछा बाद में लगाती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अब मुझे डस्टिंग करनी है। पोछा तो मैंने लगा दिया है और सारा रूम जो है फैला पड़ा है। ऐसा होता है ना, जब तक हम जो रूम का सारा सामान वगैरह सही से अरेंज करके ना रख दें, हमारा रूम क्लीन नहीं लगता है। भले ही आपने झाड़ू किया हो, पोछा किया हो, डस्टिंग की हो, लेकिन अगर सामान फैला है तो रूम गंदा ही लगता है। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले यही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन क्लीनिंग करती हूँ। आम का पेड़ है लेकिन अभी इसमें फल नहीं लगे हैं, पता नहीं कब लगेंगे। और बिल्कुल जस्ट खिड़की के बाहर पे ही लगा हुआ है इसकी टहनी,
तो जब फल लगेंगे ना तो मैं ऐसे तोड़ भी सकती हूँ, लेकिन हाथ नहीं पहुँचेगा अगर किसी चीज़ से, किसी चीज़ की हेल्प से अगर तोड़ूँ ना तो एकदम टूट जाएगा। तो सारी क्लीनिंग हो गई है, सारा सामान भी अरेंज करके रख दिया। अब मैं जा रही हूँ किचन में, किचन भी ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है, जब तक किचन क्लीन ना करो तब तक तो मुझे चैन नहीं आता। तो किचन क्लीन करने से पहले मुझे बहुत प्यास लग रही है और इतनी गर्मी है, बस आधे आधे घंटे में प्यास लग जाती है। तो मैं एकदम चिल्ड वाटर नहीं पीती हूँ, मैं हल्का सा ठंडा मिला के पीती हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लिया है, बाकी नॉर्मल वाटर तो ऐसे ही पीती हूँ, क्योंकि आजकल नॉर्मल वाटर भी पीने जैसा नहीं हो रहा, वो भी गर्म हो जा रहा है आधे घंटे में, तो ऐसा होता है कि इसमें मैं इतना सा ठंडा पानी मिला लेती हूँ और नॉर्मल वाटर इतना तो ठीक रहता है मेरे लिए। तो किचन क्लीनिंग करने आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे चींटियाँ लगी हुई थी तो इसको मैंने विम जेल से अच्छे से वॉश किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये खाने वगैरह में भी लग जाती हैं तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और क्लीनिंग का मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा क्लीनिंग करने में आज, और किचन अब जो है साफ़ हो गया है तो ऐसे ही अच्छा लगता है ना जब किचन वगैरह साफ़ हो, स्लैब एकदम चमक रही हो। तो अभी 11 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैंने सारा काम ख़त्म किया है, तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मुझे बाल भी बनाने हैं, आज मैंने हेयर वॉश किए थे और ये थोड़े थोड़े गीले हैं, और गर्मियों में तो ऐसा होता है ना पसीना इतना हो जाता है नीचे साइड में तो दिन भर गीले ही रहते हैं, तो मैं इसको बांध दूँगी, मुझसे बिल्कुल भी बाल खुले नहीं रखे जाते गर्मियों में, तो इसको बांध लेती हूँ, बाल बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं लंच की तैयारी करती हूँ। लंच में देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि करेले की सब्ज़ी कल रात को बनाई थी तो वो अभी तक बची हुई है, वो खा लूँगी, और आटा भी गूंथा हुआ है वो भी खा लूँगी, उसकी रोटी बना लूँगी, या तो फिर चावल बनाने का मन हुआ तो चावल खा लूँगी, क्योंकि लेकिन कुकर भी ख़राब हो रहा है ना, उस दिन मुझसे ढक्कन गिर गया था तो कुकर भी ख़राब हो गया है, तो अगर चावल बनाना है तो मुझे कढ़ाई में बनाना पड़ेगा। चलो सोचती हूँ उसके बारे में क्या करना है, फ़िलहाल मैं रेस्ट करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और बाल वगैरह बनाती हूँ, तैयार होती हूँ। वो 12:30 हो गए हैं और मैं लंच भाग तैयार करने के लिए किचन में आ गई हूँ, तो खुद के लिए अकेले के लिए करना है तो आज मैं बनाऊँगी, कच्चे आम तोड़ के लाए थे हस्बैंड 3, तो इसकी चटनी बनाऊँगी कच्चे आम की। एक रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, आप उसे देख लेना इसकी चटनी बनाने की, तो आज मैं दूसरे तरीके से शेयर करूँगी, तो ये भी अलग है और काफ़ी अच्छी बनने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। तो कच्चे आम की चटनी बनाने की रेसिपी भी ये पिछले वाली रेसिपी की तरह ही है लगभग लगभग। तो इसके लिए सबसे पहले आम को पील ऑफ कर लेंगे और इसके पल्प जो है उसको निकाल के अलग कर लेंगे, और उसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो आम का पल्प निकाल के मैंने तैयार कर लिया है, अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। आम का पल्प बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 ग्लास के करीब पानी लिया है और इसमें मैंने पल्प डाल दिया, इसके अलावा मैंने सॉल्ट वगैरह अभी नहीं डाला है, तो मैं इसको ढककर पकाऊंगी 5 से 10 मिनट तक, तो इतने देर में बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है। और पिछली वाली रेसिपी से ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर गुड़ का यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लिया और उसको मैं कट करके टुकड़े कर लूँगी छोटे छोटे, और इसके बाद जब पल्प हमारा गल जाएगा तो उसमें डाल दूंगी गुड़, और वो भी अच्छी तरीके से पिघल जाता है। तो 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं पल्प भी बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गया है और पक गया है पूरा, तो अब इसमें मैं गुड़ मिक्स कर लूंगी अच्छी तरीके से, जिससे कि गुड़ जो है पिघल जाए, गरम गरम है ये इसलिए, तो जिससे कि हमें ग्राइंड करने में ईजी रहे, गुड़ एकदम से ग्राइंड करने में भी नहीं पीसा जाता तो इसलिए। इसके अलावा इसमें एडिशनल चीज़ ये है कि मैं सौंफ ऐड करूँगी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आम की चटनी में स्पेशली, तो इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से 10 मिनट तक ढक लूँगी। तो अभी अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है तो अब इसका पेस्ट बना लेंगे और इसके बाद हमारी चटनी तैयार है, तो फटाफट से इसका पेस्ट बना लेते हैं। और खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है कुछ, वैसे पिछली बार वाली जो मैंने बनाई थी वो भी बहुत अच्छी हो रही थी और उसमें मैंने चीनी मिलाई थी।
चटनी अब रेडी हो चुकी है, इसका पेस्ट तैयार है। तो अब इसमें मसाले ऐड कर लूँगी। मसालों में कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और रेड चिली पाउडर, और इसके अलावा मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूँगी, जिससे कि उसमें स्पाइसी टेस्ट उभर के आता है। बस चटनी हमारी रेडी हो गई है और इसका खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी रेडी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है सच में, और गुड़ का और सौंफ का अच्छा सा फ्लेवर आया है इसमें, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको मैं थोड़ी देर फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसको चावल के साथ खाऊंगी। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी भी है। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ और मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।